आपको औरतें गाना गाती मिल जाएंगी आपस में बातचीत करते हुए कि अरे मर्द लोग हमें समझ ही नहीं सकते, ये सब एक जैसे हैं। वहीं दूसरी ओर मर्द आपस में ये बात करते हुए दिख जाएंगे तो औरतों को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तीनों लोगों के स्वामी नहीं समझ पाए इन्हें तो हमारी क्या औकात। जब देखो मुंह फुला के बैठी रहेंगे, अरे इन्हें खुद नहीं पता इन्हें क्या चाहिए, हम कैसे इनकी डिमांड पूरी करें, पहले खुद तो जान लें इन्हें चाहिए क्या। दो दो मिनट में तो इनके मूड चेंज होते हैं। अच्छा ऐसा क्यों होता है कि औरत हमेशा आदमी को पॉइंट आउट करती रहती है और आदमी औरत को, क्योंकि दोनों की साइकोलॉजी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। औरत कभी आदमी की तरह सोच ही नहीं सकती और आदमी कभी औरत की तरह नहीं सोच सकता, तभी तो ये क्लाशेस रहते हैं। वैसे तो देखो एक आदमी का ब्रेन 10% बिगर साइज होता है कंपैरिजन ऑफ फीमेल के, लेकिन दिमाग के उस हिस्से में जहां यादें स्टोर होती है, मेमोरीज स्टोर होती हैं, वो हिस्सा फीमेल का ज्यादा बड़ा होता है। और इसी वजह से लड़कियां चीजों को अपने दिमाग में लंबे टाइम तक स्टोर कर पाती है, मेमोरीज में उनके ज्यादा लंबे टाइम तक रहती हैं। नतीजा कभी भी किसी भी चीज को लेकर बैठ जाएंगी और पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ लेंगी और शुरू हो जाएंगी, तुमने मुझे ऐसे क्यों बोला था यार, तुम्हें उस दिन ऐसा हुआ था तुमने ऐसा। और आदमी ये सोचता है यार ये मुद्दा तो खत्म हो गया था ना, ये तो निमट गया था, सॉल्व हो गया था, अचानक से कैसे। यही कारण उनके इस एटीट्यूड के पीछे जिम्मेवार होता है। इस वीडियो में मैं आज आपको मेल और फीमेल की डिफरेंट साइकोलॉजी के बारे में ही कुछ बातें बताऊंगी। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप खुद से भी रिलेट कर पाएंगे। आदमी जो होते हैं वो रबड़ बैंड की तरह होते हैं। रबड़ बैंड की प्रवृत्ति क्या होती है, जब उन्हें दोनों हाथों से खींचा जाता है तो वो कुछ देर बाद अपनी ओरिजिनल शेप में खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं, सिकुड़कर वही उसी जगह पे आ जाते हैं। सेम चीज मर्दों के साथ भी है, जब उनकी जिंदगी का लो फेस चल रहा होता है, वो दिक्कत या परेशानी से जूझ रहे होते हैं, तो खुद को पूरी दुनिया से अलग थलग करके अपने ओरिजिनल एरिया में आ जाते हैं, खुद को लिमिटेड कर लेते हैं, सीमित कर लेते हैं। कोई मतलब नहीं होता उन्हें लोगों से कि क्या ऐसी तैसी करा रहे हैं, अपने भाड़ में जाए, खुद में वो सीमित हो जाते हैं, अपने एरिया को बिल्कुल लिमिटेड कर लेते हैं। लेकिन वही जो एक फीमेल होती है उसके साथ उसके लो फेस में अलग चीजें होती हैं। उसकी साइकोलॉजी क्या होती है कि मैं लोगों से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करूं, मैं उनसे बात करूं, उसे अटेंशन चाहिए होती है। देखा कितना बड़ा डिफरेंस है। एक आदमी जो है वो अपने लो फेस के दौरान खुद को लिमिटेड कर लेता है, उसे अटेंशन नहीं चाहिए दुनिया वालों की। वहीं जो फीमेल है उसको ऐसा लगता है कि जब तक मैं लोगों से बात ना कर लूं मेरी तो प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होगी। एक मेल हमेशा दिक्कत और परेशानियों में ग्रो करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, नई नई चीजों से सीखना चाहता है। वहीं एक जो फीमेल है उसे यही लगता है कि यार मेरी कोई सुन ले, मेरे से कोई बात कर ले, मेरा जो जिंदगी का जो लॉ ऑफ फेस दुखड़ा है ये समाप्त हो जाएगा। दूसरा डिफरेंस, लड़कियां अक्सर बोलती है कि लड़के हमें सुनते ही नहीं है, हमारी क्या खाक समझेंगे, पहले कम से कम वो सुन तो लें। वहीं जो लड़के होते हैं वो सुनना चाहते हैं, लेकिन वो सुनने के चक्कर में बाद में एडवाइस भी देना चाहते हैं क्योंकि वो लॉजिकली सोचते हैं, लेकिन लड़कियां इमोशनली सोचती हैं। आपने भी जरूर इस चीज को नोटिस किया होगा कि अगर कोई लड़की आपके साथ अटैच्ड है तो वो बात बात पे अपने फैमिली इशू, अपने फ्रेंड्स के इशू, अपने प्रोफेशनल इशू तो कुछ ना कुछ लेकर बैठ ही जाएगी। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसे समझाओ, एडवाइस करो, उसे चाहिए भी नहीं, वो बस ये चाहती है मेरे सुन ले, मैं जो बोल रही हूं बस वो सुन, मुझे तेरी एडवाइस नहीं चाहिए, सोल्यूशन नहीं चाहिए। आप उसे सोल्यूशन देने लग जाते हो, उसे सोल्यूशन चाहिए ही नहीं, उसका सोल्यूशन ही यही है कि मेरी बस सुन ले, हर हफ्ते या 15 दिन में ये चीज लेकर बैठू, अपनी भड़ास निकालू, सुन ले बस खत्म, मैं रेडियो बनू तो लिसनर बन। और लड़का जो होता है वो इसी चीज से परेशान हो जाता है, कब तक सुनू, सोल्यूशन निकाल इस चीज का, सोल्यूशन उसे चाहिए ही नहीं। और इसी बात को कि वो लड़का उस लड़की की मेंटालिटी साइकोलॉजी नहीं समझ पाता, उसे लगता है मुझे रेडियो नहीं सुनना हर 15 दिन बाद, उसे कन्नी काटने लग जाता है, यार मैं निकलू इस रिश्ते से बाहर निकलू, नहीं झेल सकता मैं इसे। तीसरा डिफरेंस, लड़के हमेशा इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स और लॉजिक के बेस पर बात करते हैं, वहीं जो लड़कियां होती हैं उन्हें इन चीजों से मतलब नहीं होता, ना उन्हें लॉजिक की पड़ी, ना उन्हें फैक्ट्स की पड़ी, ना ही उन्हें इंफॉर्मेशन से मतलब होता है, वो हमेशा इमोशन में डूब कर बात करती है। और यही कारण है, यही वो सबसे बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से लड़कियां अक्सर लड़कों का झूठ पकड़ लेती है, और लड़के हमेशा सच्चाई का नाटक करते करते एक्सप्लेनेशन देते देते परेशान हो जाते हैं, और वो सोचते हैं अरे मेरा झूठ पकड़ कैसे लेते हैं, क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन लॉजिक जो भी तुम तथ्य प्रमाण दिखा रहे हो वो तो आत्मानी आंखों में तुम्हारा सच पकड़ लेगी। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर मेल और फीमेल की साइकोलॉजी में, उनके सोचने के तरीके में अगर इतना अंतर है तो झगड़े होने दोनों के बीच में स्वाभाविक है या नहीं, वो होंगे ही होंगे।
अब इन झगड़ों से बचा कैसे जाए। लड़ाई और झगड़ा कभी भी इस बात पर नहीं होता कि आपने सामने वाले को बोला क्या है, वो हमेशा इस बात पे होता है कि आपने जो भी बोला है, कुछ भी बोला है, बोलने में टोन क्या थी, किस लहजे में आपने सामने वाले को बोला है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी। और यही कारण होता है कि जिसकी वजह से सामने वाले को आपकी बात बुरी लग जाती है और आप ये सोच में पड़ जाते हैं कि यार मैंने ऐसा क्या कह दिया। तरफ कुछ लोग इतने कलाकार होते हैं कि चार लोगों के सामने दूसरे के कपड़े तक उतार देते हैं, बेइज्जती धो धो के करते हैं, लेकिन मजाक में गीले चप्पल से पिछवाड़ा सुझा देते हैं नंगा करके, और सामने वाला हंसता रहता है, हा हा हा, उसे पता ही नहीं लगता यार तेरी तो पीछे से ले ली बिना तेल लगाए, सूखे सूखे। एक चीज का हमेशा ध्यान रखो कि लड़कियां जब भी गुस्से में हो उसे अटेंशन दो, उसे अकेला मत छोड़ो, उसकी बात सुनो। लेकिन लड़का जब भी गुस्से में हो उसे तुरंत अकेला छोड़ दो, वो अकेले जो उसे करना है वो कर लेगा, उसके पीछे जाके वहां मुजरा मत करो, वो इरिटेट हो जाएगा। तो ये थे वो सारे साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस जो मेल और फीमेल में पाए जाते हैं, और यही सबसे बड़ी वजह होती है उनके बीच के क्लैशेस की, उनके आपसी झगड़ों की। अब कुछ 1% लोग ऐसे भी होते हैं जो इनके बिल्कुल विपरीत होते हैं, जैसे फीमेल बॉडी लेकिन दिमाग से मेल, मेल बॉडी लेकिन दिमाग से फीमेल। मतलब एक औरत जिस्म से तो फीमेल होगी, उसके जो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो भी होते हैं उसकी बॉडी के वो सारे होंगे, वो पीरियड भी होगी, बच्चे भी पैदा करेगी, सब चीजें होगी, लेकिन दिमाग जो उसकी जो सोच होगी वो मेल माइंडेड होगी। जो मैंने आपको डिफरेंस बताया कि एक आदमी अपने लॉ फेस में सबसे अलग थलग हो जाता है, कट जाता है, उसे कोई मतलब नहीं होता, सेम चीज उस फीमेल के साथ होगी। आपको अपने आजू बाजू ही देखने को मिल जाएंगी कुछ ऐसी औरतें कि ज्यादा ना मतलब रखेगी ना बात करेगी, अपने में रहेंगी बस। लेकिन वहीं कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनमें शरीर तो आदमी का होता है लेकिन उसकी जो हरकत है, उसकी जो साइकोलॉजी होती है बिल्कुल फीमेल होती है। उसे चार मंडली में बैठ के डिसीजन लेने अपनी जिंदगी के, जब तक चार लोगों को अपनी बातें ना बता दे इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा, उसको हजम नहीं होएगा, उसको अटेंशन चाहिए, हर छोटी छोटी चीज पे उसे अटेंशन चाहिए। तो ऐसा भी होता है। और जब इस तरह की दो पर्सनैलिटी रिलेशन में आ जाती हैं तो क्लैशेस होंगे ही होंगे, डिफरेंसेस पैदा होंगे ही होंगे, थोड़ा यहाँ पे संभावनाएं कम होती है रिलेशनशिप को सेटल करने की या मैनेज करने की, क्योंकि दोनों के बीच में पर्सनैलिटी क्लैशेस हैं। अब पर्सनैलिटी क्लैशेस है तो बाकी जो क्लैशेस है वो तो होंगे ही होंगे, डिफरेंसेस भी पैदा होंगे, झगड़े भी होंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होता है चीजों को संभालना कंपैरिजन ऑफ अदर रिलेशन। तो ये था मेरी तरफ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि साइकोलॉजी क्या डिफरेंट होती है मेल और फीमेल की। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।